दोस्तों आलिया भट्ट और रणबीर कपूर अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर काफी टाइम से चर्चा में हैं। इसके साथ ही आलिया और रणबीर के फैंस इस मच अवेटेड मूवी का काफी बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की ये फिल्म कब रिलीज होने वाली है। अयान मुखर्जी के निर्देशन में बन रही ये फिल्म काफी पहले रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना की वजह से फिल्म की शूटिंग पूरी नहीं हो पाई और मेकर्स ने फिल्म को पोस्टपोन कर दिया। अब फैंस के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। खबर ये है कि फिल्म की शूटिंग जल्दी पूरी हो सकती है। ये फिल्म एक ग्रैंड बजट की फिल्म है और फिल्म का बजट 300 करोड़ के पार हो गया है। थर्सडे को फिल्म के सेट से कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जिनमें पीछे काली माँ की एक प्रतिमा लगी है और प्रतिमा के सामने आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और निर्देशक अयान मुखर्जी खड़े हैं। इसके अलावा दूसरी तस्वीर में तीनों कुर्सियों पर बैठे हैं और हंस रहे हैं। आप भी देखिए ये वायरल तस्वीरें जो कि ब्रह्मास्त्र के सेट से लीक हुई है। ब्रह्मास्त्र के सेट से अचानक तस्वीरें वायरल होने के बाद उनके फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं। फैंस को लगता है कि अब किसी भी वक्त फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान हो सकता है। वहीं अगर फिल्म की शूटिंग की बात करें तो हाल ही में फिल्म में साउथ एक्टर नागार्जुन ने अपने हिस्से की शूटिंग खत्म कर ली है। शूटिंग पूरी करने पर नागार्जुन ने कहा कि ब्रह्मास्त्र में मेरे हिस्से की शूटिंग पूरी हो गई। रणबीर और आलिया जैसे कमाल के एक्टर्स के साथ काम करना एक कमाल का अनुभव रहा। अयान मुखर्जी ने जो वर्ल्ड क्रिएट किया है, दर्शकों का उसका गवाह बनने का इंतजार नहीं कर सकता। आप भी देखिए नागार्जुन का ये ट्वीट जिसमें उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से उनका एक्सपीरियंस रहा अयान मुखर्जी, आलिया भट्ट और रणबीर के साथ काम करने का। हम आपको बता दें कि बहुत जल्द ब्रह्मास्त्र को आप थिएटर्स में देख पाएंगे क्योंकि फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द रिलीज डेट का ऐलान भी किया जाएगा।